मी किया जब एक ही स्पम एंटर करता है एक से ज्यादा स्पम एंटर नहीं होता है सेकेंडरी ओसाइड या ओवम में तो इस कंडीशन को हम लोग मोनोस्पमी कहते हैं तो एक्जैक्टली exactly होता है क्या जब स्पम बाइंड करता है सेकेंडरी ओसाइड्स की प्लाज्मा इम्ब्रेन के साथ तो यहां पर डीपोलराइजेशन होता है मतलब कहने का मिमब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाता है तो ये स्पंप जो है जैसे ही बाइंड करेगा तो बाहर क्या हो जा रहा है नेगेटिव चार्ज अंदर हो जा रहा है पॉजिटिव चार्ज इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन पूरी प्लाज्मा इम्ब्रेन के अंदर फैल जाएगा जिससे होगा क्या कि दूसरे स्पंप वहां पर बाउंड नहीं कर पाएंगे और एक ही स्पम की एंट्री होगी और मोनोस्पमी की प्रोसेस कंप्लीट होगी